Hello students, today we discuss about Senna leaves. Synonyms है इसका Indian Senna, Alexandria Senna, Cassia alata. अब discuss करते हैं इसके biological source के ऊपर. इसके क्या क्या biological source है. इसके biological source है dried leaflet of Cassia augustifolia, यानी कि इसको बोटनिकल नेम की लॉन्ग रेंज में केसिया ऑगस्टिफोलिया कहते हैं, और इसके ड्राइड लीफ और ड्राइड सूखे पत्ते को इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन को रिपेयर करने में, ठीक है. और इसकी फैमिली होती है लेगुमिनेशी. अब हम डिस्कस करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के ऊपर, यानी कि इसके कलर कैसे होते हैं, इसके शेप कैसे होते हैं, इसके ऑर्डर यानी कि इसके सुगंध कैसे होते हैं, इसके बारे में डिस्कस. तो सेना लीफ, सेना का जो कलर होता है एलोइस ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, यानी कि हल पीले कलर का और ग्रीन कलर का होता है, जबकि इसका ऑर्डर स्लाइट टेस्ट होता है, स्लाइट टेस्ट. और इसके टेस्ट होते हैं म्यूसिलेजिनस एंड बीटर, थोड़े एक टेस्ट में बीटर होते हैं. सेप, अब डिस्कस करते हैं इसके सेप के ऊपर. सेप का इसका होता है लेंसुलेट, एपेक्स इज एक्यूट एंड स्पाइन एट द टॉप. इसकी साइज जो है 7 to 8 mm, थिक यानी कि मोटा होता है, एंड 25 to 60 mm लॉन्ग, 25 से 60 mm लॉन्ग होता है. इतना आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है. फिर से हम इसके मॉर्फोलॉजी को ऊपर डिस्कस करते हैं. इसका कलर जो होता है येलोइस ग्रीन कलर का होता है, ऑर्डर इसका स्लाइट टेस्ट होता है, टेस्ट इसके जो होते हैं म्यूसिलेजिनस और एंड बीटर होते हैं, ठीक है. जबकि से लेंसुलेट एपेक्स इज एक्यूट एंड स्पाइन एट द टॉप. साइज इसके होते हैं 7 to 8 mm थिक, यानी कि 7 से 8 mm थिक का मतलब होता है मोटा, एंड 25 to 60 mm लॉन्ग, यानी कि 25 से 60 mm लंबे होते हैं. अब डिस्कस करते हैं इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर, यानी कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें आपके केमिकल्स हैं सेनेडीन एलोई इमेडिन, सेनेडीन एलोई इमेडिन, ठीक है, एलोई इमेडिन, रेन इमोडिन, एंसा क्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स. और इसके यूजेज हैं लेक्जेटिव, पर्गेटिव, कार्बिनेटिव एंड वेट लॉस. इसका यूजेज मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूँ. लेक्जेटिव, लेक्जेटिव वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, स्टूल को सोक्ट करते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को सोक्ट करते हैं और इजीली आउटपुट कर देते हैं हमारे बॉडी से, ठीक है. परगेटिव क्या होते हैं, इससे थोड़ा हायर होते हैं, लेक्जेटिव थोड़ा माइल्ड होता है. परगेटिव क्या करता है, एक फ्लूड को वेस्ट प्रोडक्ट में फ्लूड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि होता क्या है, एक जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सॉफ्ट बन जाता है, ठीक है, और इजली रेक्टल रूप से आउटपुट हो जाता है. कार्बिनेटिव यानी कि भोजन को डाइजेस्ट करने में भी काम करता है, ठीक है, इससे कि आपका एपिटाइट स्टिमुलेट होता है यानी कि भूख लगती है. दूसरा है वेट लॉस, यानी कि ये वजन को कम करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है. केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसका मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ, फिर से आप लोग सुन लीजिए, ठीक है. इसके अंतर्गत केमिकल्स हैं सेनेडीन एलोई इमेडीन, रेन इमोडीन, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स. तो ये आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एक बार आप लोग इसको पूर्ण रूप से देख लीजिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं. ओके.